अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर। बर्गर बनाने के लिए या जिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेस्ट। जिस तरह आप देख रहे हैं, मैंने 2 पीस ब्रेस्ट के ले लिए हैं। और इसको हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, रेड चिली, थोड़ा सा ये तिक्का मसाला है, साथ हमने लिया ब्लैक पेपर। ये चारों चीज़ों के अलावा हमने जो मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए वो है सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। इसको हम इन चीज़ों से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट तक इसको अच्छी तरह रखेंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हमने बैटर रेडी करना है। बैटर के लिए हमें क्या चाहिए? कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक और रेड चिल्ली पाउडर। ये थी चारों चीज़ें। इन चारों चीज़ें से हमने इनको पानी में घोल के हमने इसका बैटर बनाना है। अब ये जो है, ये इसका बैटर, इसका ना थिक बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी होगा, ठीक है? ये मीडियम बैटर का रहेगा। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिंग इसमें करनी है, पहले बैटर में, देन इस मैदे के अंदर, देन हमें चिल्ड ठंडा वाटर, चिल्ड वाटर, ठीक है, इसमें हम डालेंगे। देन अगेन हम किस में, मैदे के अंदर कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद, कोटिंग मतलब इसको आप राउंड राउंड इसमें शेप में इसको मूव करेंगे मैदे के अंदर, तब ही जिंगर की सही कोटिंग होगी। कोटिंग के बाद कुछ फाइनल इस फॉर्म में ये कोटिंग आ जाएगी, ठीक है? मैं दोनों रेडी करके रख लूँगी। अब इसको अपने स्टे नहीं करना, इसको डायरेक्ट हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखें, ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस इतना ही क्रिस्पी बनेगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक के बारे में। और इसकी जो फ्लेम है वो हमें तकरीबन जिस तरह दम का फ्लेम होता है, दम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाएगा। तो इसका फ्लेम जो है वो ऑलमोस्ट इतना इस तरह होगा। ये इसकी फाइनल लुक है। मेमोरी शॉर्टेज की वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आप